कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। वो बुनियादी मर्द दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा, हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा के लिए तोड़ना होगा। बदले की कोई तमन्ना नहीं, कौम की तरक्की और खुशहाली चाहता हूं, वतन वापसी पर नवाज शरीफ का नारा। सियासी जमातें और इदारे मिलकर काम करें, डबल स्पीड दिखाना होगी, कशकोल तोड़ना होगा। आइन की रूह के मुताबिक मुतहद होकर नए प्लान की तश्कील नागुजीर है। जो हमसे पीछे थे वो आगे निकल गए, अब कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वो मर्ज दूर करना होगा जिससे मुल्क बार बार हादसे का शिकार हो जाता है। लीग कायद का मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में खिताब, कहा दुनिया से बेहतर ताल्लुकात के लिए बावकार खारजा पॉलिसी अपनानी होगी, हमसायों से लड़ाई करके तरक्की नहीं हो सकती। आपको पता ना कि धरने कौन करवा रहा था? पब्लिक इंशाल्लाह उनका काम था, हमारा नहीं है। मैं आपको भी यही कहूंगा, गाली का जवाब गाली से नहीं देना। मेरे पास भी तस्वीर है, लेकिन तस्वीर मैं उस वक्त फेंकता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। हमारे दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, अवामी खिदमत के जुर्म में मुझे निकाल दिया गया। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग करना कहां का इंसाफ है? सब जानते हैं धरने कौन दे रहा था, बगल में छुरी और मुंह में राम राम नहीं आता। तस्वीर उस वक्त फेरता हूं जब कोई नहीं देख रहा होता। किसी को गाली देना हमारी सियासी तरबियत नहीं, हम वो नहीं जो किसी की पगड़ी उछाले। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और मोटरवे से पूछो। नून लीग कायद की ललकार। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा। जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, नवाज शरीफ का शेर से तकरीर का आगाज। पहले अपने कारनामों का खुलासा बताया, फिर गालिब का कलाम सुनाया, कहा दिल जख्मों से चूर है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, मुखालिफिन हमें ना छेड़े वरना अशकों का तूफान आ जाएगा। जलसे के बाद मियां नवाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए, कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। वालिद वालदा भाई और अहलिया की कब्रों पर फातिहा खानी। दिल खराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कभी कोई गमला नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी। नवाज शरीफ आ गया, अब खुशहाली आएगी, कौम की तकदीर बदल जाएगी। शहबाज शरीफ का जलसे से खिताब, कहा लीग कायद को हर बार अवामी खिदमत पर निकाला गया, हमने तहमुल से सब कुछ बर्दाश्त किया। मरियम नवाज का भी जोशीला खिताब, हमजा शहबाज का हाथ पकड़कर बोली, नून भी यहाँ खड़ी है और शीन भी। कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी ये खड़ी है, शीन भी ये खड़ी है। नवाज शरीफ की वापसी खुश आइंद है, मुल्की मसाइल के लिए तमाम सियासी कुवतों को मिल बैठना होगा। चौधरी शुजात की जानिब से खैर मकदम। जलसे करना या लोगों को जमा कर लेना कामयाबी नहीं, इनको जिस अंदाज में प्रोटोकॉल दिया गया आवाम इसे अच्छी नजर से नहीं देख रहे। फिरदौस आशिक अवान की प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, तर्जुमान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने कहा, कौम का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ओन चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला, तहरीरी वजाहत तलब। पार्टी का मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं, आईपीपी तर्जुमान का मौकिफ। घरेलू झगड़े का अफसोसनाक अंजाम, कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भाई ने भाई और भाभी को कत्ल कर दिया, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। गुजरात पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 5 लाख को गिरफ्तार, मुलजमान के कब्जे से 15 लाख रुपए और मसरूखा सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पोश इलाकों में वारदातें करते थे।
सिख रहनुमा के कत्ल पर कशीदगी मजीद बढ़ गई। भारत में कैनेडियन काउंसिल खाने की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल। हिंदुस्तान लाखों अफराद की जिंदगी मुश्किल बना रहा है, जस्टिन ट्रूडो की तनकीद। वर्ल्ड कप क्रिकेट में शाहीनों का अगला इम्तिहान, पीर को चेन्नई में मैदान लगेगा। कौमी टीम अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन कल शेड्यूल। क्रिकेट की आलमी जंग, दिफाई चैंपियन को तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से हरा दिया। 400 के हदफ का ताकुब करते इंग्लिश टीम 170 पर ही ढेर। दूसरे मैच में श्रीलंका की नेदरलैंड को 5 विकेट से शिकस्त। और लाहौर में सुबह सवेरे हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, कलमा चौक, कैनाल रोड और इछरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मौसम हल्का सर्द हो गया। जलसे करना या लोगों को जमा कर लेना कामयाबी नहीं। इनको जिस अंदाज में प्रोटोकॉल दिया गया, आवाम इसे अच्छी नजर से नहीं देख रहे। फिरदौस आशिक अवान की प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगु। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, कौम का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों की? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ओन चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला, तहरीरी वजाहत तलब। पार्टी का मुलाकात से कोई ताल्लुक नहीं, आईपीपी तर्जुमान का मौकिफ। घरेलू झगड़े का अफसोसनाक अंजाम, कराची के इलाके बल्दिया इतिहाद टाउन में भाई ने भाई और भाभी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, असलहा बरामद। गुजरात पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 5 डाकू गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 15 लाख रुपए और मसरूखा सामान बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पोश इलाकों में वारदातें करते थे। सिख रहनुमा के कत्ल पर कशीदगी मजीद बढ़ गई। भारत में कैनेडियन काउंसिल खाने की सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल। हिंदुस्तान लाखों अफराद की जिंदगी मुश्किल बना रहा है, जस्टिन ट्रूडो की तनकीद। वर्ल्ड कप क्रिकेट में शाहीनों का अगला इम्तिहान, पीर को चेन्नई में मैदान लगेगा। कौमी टीम अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी। 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन कल शेड्यूल। क्रिकेट की आलमी जंग, दिफाई चैंपियन को तीसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 229 रन से हरा दिया। 400 के हदफ का ताकुब करते इंग्लिश टीम 170 पर ही ढेर। दूसरे मैच में श्रीलंका की नेदरलैंड को 5 विकेट से शिकस्त। और लाहौर में सुबह सवेरे हल्की बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, कलमा चौक, कैनाल रोड और इछरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मौसम हल्का सर्द हो गया।